अयोध्या के राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। रामलला की प्रतिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के इस भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से तैयार की जाएगी। ये शालिग्राम पत्थर नेपाल के गंडकी नदी से लाए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक ये पत्थर दो टुकड़े में है और दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र किया गया है, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जा रहा है। लोगों के मुताबिक इन शिलाखंडों का धार्मिक महत्व है, क्योंकि इनका संबंध भगवान विष्णु से है। इन पत्थरों की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह शिलाखंड ज्यादातर गंडकी नदी में पाए जाते हैं। हिमालय के रास्ते में पानी चट्टान से टकराकर इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोज कर निकालते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मान्यता के मुताबिक 33 तरीके के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम का पत्थर भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है वहां घर में सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम बना रहता है, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शालिग्राम शिला का विशेष महत्व है। हालांकि अभी तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल परीक्षण कर भव्य मूर्ति के लिए उसकी अनुकूलता और शरण जैसी बातों पर मंथन करेगा। जानकारी के मुताबिक प्रख्यात चित्रकार वासुदेव कामत के अलावा रामलला की मूर्ति बनाने में पद्मभूषण शिल्पकार रामवंजी सुथार को जिम्मेदारी दी गई है। राम सुथार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी शिल्प तैयार किया था। हाल ही में अयोध्या में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप वीणा को स्थापित किया गया। उस वीणा को राम सुथार और उनके बेटे अनिल राम सुथार ने तैयार किया। मूर्ति बनाने के पहले चरण की जिम्मेदारी संभालने वाले चित्रकार वासुदेव कामत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, जिन्हें स्केच और पोर्ट्रेट बनाने में विशेष ख्याति प्राप्त है। रामलला की मूर्ति ऐसी होगी जिसमें मंदिर के वास्तु की दृष्टि से समन्वय होगा। रामनवमी के दिन रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए जिन मूर्तिकार और कलाकारों का चयन किया गया है, रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह से तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर। बता दें कि काली गंडकी नदी से निकले पत्थरों में विष्णु का वास माना जाता है। इन पत्थरों में भगवान विष्णु से जुड़े चिन्ह मिलते हैं, जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम में शंख चक्र वज्र पद्म के चिन्ह होते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के यानी अवतार भगवान श्री राम के आदर्शों से दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम से साक्षात कराती है।